भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति का प्लान बना लिया है। वह योगी सरकार के मंत्री समूह के मंडल दौरे से आए फीडबैक के आधार पर पार्टी ने दलितों को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 अनुसूचित जाति बहुल्य बस्तियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर काम होगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ता 30,000 बस्तियों में जाकर सरकार की खूबियां बताएंगे। वहीं भाजपा मानती है कि यूपी और केंद्र सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी यही समाज है। यूपी में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इस समाज का साथ मिला था। इतना ही नहीं, मंत्री समूह अपने मंडलीय दौरे पर दलित बस्तियों में भी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।